वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बुक ऑफिशियल पर। तो आज अपने हैं जो भारतीय नौसेना MBAR भर्ती परीक्षा 2021 के लिए न्यूनतम पाठ्यक्रम पर जो आधारित कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है वो अपने जो सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको सबसे पहले एक सेक्शन के अंदर सामान्य अध्ययन, बी सेक्शन के अंदर आपको विज्ञान और सी सेक्शन के अंदर आपको है जो गणित के क्वेश्चन अपने हैं जो सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्टिंग करते हैं पहले नंबर प्रश्न यानी कि सेक्शन ए के अंदर। तो देखो पहला प्रश्न क्या दे रखा है जिसके अंदर उन्होंने जीके क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है CFSI का है जो पूरा नाम क्या है। नीचे आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFSI। तो CFSI का जो फुल फॉर्म है इसका संपूर्ण नाम है वो क्या होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, चिल्का फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, चेंज फॉर सोसाइटी इन इंडिया, चेंजिंग फॉर सोसाइटी इन इंडिया। तो इसका सही आंसर इसमें से जो कौन सा हो जाएगा। पहले प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि आपका ए ऑप्शन इसमें से सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। सेकेंड प्रश्न देर का है, मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड से जो कब सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा होनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड, मदर टेरेसा को है जो भारत रत्न अवार्ड से जो कब सम्मानित है वो किया गया था, 1983 में, 1987 में, 1988 में या फिर 1980 के अंदर। तो मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, 1980 के अंदर। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अब देखो 1983 के अंदर यानी कि जो ए ऑप्शन देर का है, 1983 के अंदर आचार्य विनोबा भावे को सम्मानित किया गया था, किससे, इसी भारत रत्न अवार्ड से विनोबा भावे को है जो सम्मानित किया गया था। और 1987 के अंदर बात करें तो 1987 के अंदर है जो खान अब्दुल गफार खान, किसको सम्मानित किया गया, अब्दुल गफार खान, आप यहाँ पर लिख रहा हूँ अब्दुल गफार खान, इसको है जो सम्मानित किया गया था। और आगे देखो एक ऑप्शन आपके सामने और बच जाएगा, वो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, 1988, 1988 के अंदर एम जी रामचंद्र को है जो सम्मानित किया गया था, किससे, भारत रत्न अवार्ड से। तो मदर टेरेसा को कब सम्मानित किया गया था, 1980 के अंदर। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना है वो कब की गई, व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश्ड, लीग ऑफ नेशन की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको इसका, ए ऑप्शन यानी कि 1920 के अंदर है जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना है वो हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में ज्योतिष विद्या की पढ़ाई की अनुमति है जो कब प्रदान की। अब देखो आप ज्योतिष विद्या से अच्छी तरह परिचित होंगे कि ज्योतिष विद्या किसे कहते हैं। जब आपके घर पर, जैसे अगर आप लगभग गाँव के अंदर रहते हैं या फिर जब आप कभी बाजार या फिर कहीं पर जाते, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या है, जैसे किसी पंडित के पास जाते हैं अपने हाथ उसको दिखाते हैं या फिर अपनी जो जन्म कुंडली है उसको दिखाते हैं कि आपके जीवन में आगे भविष्य में क्या होने वाला है। उस प्रकार का जो अध्ययन होता है उन ब्राह्मणों के पास, उन लोगों के पास, उसको क्या कहते हैं, ज्योतिष विद्या कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो विश्वविद्यालयों के अंदर ज्योतिष विद्या की जो पढ़ाई थी उसको अनुमति है जो कब प्रदान की थी, 2006 में, 2004 में, 2002 में या फिर 2000 के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 मई 2004 को। कब की थी, 5 मई 2004 को है जो विश्वविद्यालयों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये अनुमति दे दी थी कि वहाँ पर है जो क्या ज्योतिष विद्या की पढ़ाई भी है वो क्या है वहाँ पर करवाई जा सकती है, यानी कि द स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन वहाँ पर है जो करवाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है, मर्डेका कप इज रिलेटेड टू विच गेम्स, मर्डेका जो कप है इसका संबंध है जो किस खेल से है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ए ऑप्शन फुटबॉल, बी ऑप्शन वॉलीबॉल, सी ऑप्शन टेबल टेनिस और डी ऑप्शन दे रखा है क्रिकेट। तो मर्डेका कप का संबंध है जो किस से है, फुटबॉल से है। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। निम्न में से दस कुमार चरित्र किसकी रचना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चरित्र ऑफ दस कुमार चरित्र, ठीक है, दस कुमार जो चरित्र है
ये एक बुक है, एक किसके द्वारा लिखी गई है, दिवाकर के द्वारा लिखी गई है, कौटिल्य इसके क्या है लेखक हैं या फिर इसके रचनाकार हैं, तानसेन इसके रचनाकार या फिर दंडी इसके रचनाकार हैं। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। दंडी की एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है, दस कुमार चरित्र। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। एडम्स ब्रिज भारत और किस देश के मध्य स्थित है। एडम्स ब्रिज इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। देखो भारत और एक देश के बीच में है जो कौन सा ब्रिज स्थित है, एडम्स ब्रिज है। तो आपको दूसरा देश बताना है, दूसरा देश बताना है कि किस देश के मध्य भारत और कौन सा ऐसा देश है जिसके मध्य एडम्स ब्रिज है। देखो लगभग आप यहाँ अगर आप अच्छा तरीके से थोड़ा सा अपना बेसिक नॉलेज यहाँ पर यूज़ करोगे तो देखो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा, तो देखो भारत का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है जहाँ से लगभग अपना कोई ब्रिज नहीं लगता, भूटान से अपना लगभग कोई नहीं लगता, लेकिन श्रीलंका देखो थोड़ा सा दूर रह गया है, श्रीलंका थोड़ा सा दूर है, वाटर वाला जो एरिया है वो भी इसके अंदर बीच में आ जाता है। तो देखो कौन सा हो जाएगा, अपना श्रीलंका ही इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच के अंदर है जो एक ब्रिज है उसका नाम क्या है, एडम्स ब्रिज है, जो चट्टान और रेत से उसको है जो बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, होवरक्राफ्ट की खोज है वो कब की गई थी। वेन वाज द होवरक्राफ्ट डिस्कवर्ड, होवरक्राफ्ट की खोज है वो कब की गई थी। ए ऑप्शन देखो 1909 में, बी ऑप्शन 1904 में, सी ऑप्शन 1906 में और डी ऑप्शन देर का है 1902 में। तो जो होवरक्राफ्ट था इसकी खोज है वो कब की गई थी, कब की गई थी होवरक्राफ्ट की खोज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 1909 के अंदर, 1909 के अंदर है जो किसकी खोज की गई थी, होवरक्राफ्ट की खोज है वो की गई थी। और किसकी जो होवरक्राफ्ट है इसकी खोज किसने की थी, काकरेल ने खोज की थी, एक व्यक्ति था उसका नाम था क्या, काकरेल, ठीक है। तो काकरेल आप नोट कर लेना, इस व्यक्ति ने है जो इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। आगे बढ़ने से पहले जो साथी नेवी एमआर 2021 का जो अभी हाल फिलहाल के अंदर इसकी अगले मंथ तक वैकेंसी जो आ जाएगी उसके लिए तैयारी कर रही हैं, तो मैंने आपके लिए जो नेवी एमआर के 10 प्रैक्टिस सेट है वो लॉन्च कर रखी हैं। इन प्रैक्टिस सेटों के अंदर आपको देखो सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित तीनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो अपने डेली प्रैक्टिस सेट के अंदर बुधवार को प्रैक्टिस सेट होता है उसके अंदर बात करते हैं उसमें मिलेंगे। नवीनतम परीक्षा प्रणाली आधारित पर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज अंदर आपको दे रखी है, प्लस उनका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर जो दे रखा है। और जो साथी इस प्रैक्टिस सेट को खरीदना चाहते हैं तो बहुत कम प्राइस इसके लिए जो रखा गया है, ₹35 के अंदर आपको ये प्रैक्टिस सेट है जो 10 प्रैक्टिस सेट आपको है जो मिल जाएंगे। इसमें प्लस आपको क्या मिलने वाला है, जो 2020 के अंदर जो फरवरी के अंदर एग्जाम हुआ था, फरवरी के अंदर जो एग्जाम हुआ था एमआर का, एमआर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन मैंने इसके अंदर जो शामिल करके हैं। पीडीएफ अगर आप इसको खरीदते हो तो लिंक आपको है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। जैसे आप पीडीएफ के लास्ट पेज पर जाओगे ना तो लास्ट के जो 3 या 4 पेज हैं उन पेजेस पर है जो एमआर का जो फरवरी के अंदर एग्जाम हुआ था उनके अंदर जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन उसके जो इसके अंदर शामिल है लिखे हुए इसके अंदर आपको शामिल हुए मिल जाएंगे। तो जो साथी इस पीडीएफ को खरीदना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर है जो इस बुक को, इस ई बुक को है वो खरीद सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। अपर वोल्टा किस देश का प्राचीन नाम है। अपर वोल्टा इज द एंशियंट नेम ऑफ विच कंट्री। देखो अपर वोल्टा एक किस देश का क्या है, प्राचीन नाम है, कौन सा देश है, घाना, सुरीनामा, बुर्किना पासो या फिर इराक। अब देखो मैं पहले आपको बता रहा हूँ किसके बारे में, सबसे पहले अपने बात करते हैं इराक के बारे में। मैं आपको बताऊँ कि इराक का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, इराक का प्राचीन नाम है वो क्या था, मेसोपोटामिया। आपने सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया, इस प्रकार आपने कोई शब्द सुना होगा, वर्ल्ड सुना होगा। तो जो मेसोपोटामिया है वो इराक का क्या नाम था, प्राचीन नाम था मेसोपोटामिया। ये इराक का क्या है, प्राचीन एक नाम है, ठीक है, ये इराक का क्या है, प्राचीन नाम है। अब देखो सूरीनामा, सूरीनामा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, डच गायना। सूरीनामा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, डच गायना। ये सूरीनामा का है जो प्राचीन नाम था, अब इसका नाम क्या है, सूरीनामा है। और आपने एक नाम सुना होगा गाना। अब वर्तमान के अंदर आप इस वर्ल्ड को है जो देखते होंगे अपने मैप भी, अगर अपने वर्ल्ड का मैप चेक किया होगा तो वहाँ पर आपने गाना यहाँ पर शब्द है जो लिखा है ये आपने वहाँ पर है जो देखा होगा। इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, गाना का प्राचीन नाम क्या था, गोल्ड कोस्ट था। क्या नाम था उसका, प्राचीन नाम है गोल्ड कोस्ट है जो इसका प्राचीन नाम था। मैंने आपसे पूछा है कि जो अपर वोल्टा है ये किस देश का क्या है, प्राचीन नाम है, तो आपके पास एक ऑप्शन बच गया, बुर्किना पासो। बुर्किना पासो का है जो किस देश का प्राचीन नाम था,
जो बुर्किना पासो का ही प्राचीन नाम था, क्या था? अपर वोल्टा था। पहले इसको अपर वोल्टा देश के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसको बुर्किना पासो के नाम से वो जानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का। बलवोवा किस देश की मुद्रा है? बलवोवा इज द करेंसी ऑफ विच नेशंस? बलवोवा है जो किस राष्ट्र की, किस देश की क्या मुद्रा है? वियतनाम की है, मिस्र की है, स्पेन की है या फिर पनामा की है? तो सबसे पहले अपने बात करते हैं वियतनाम के बारे में। वियतनाम की राजधानी क्या है? सबसे पहले देखो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। वियतनाम की जो राजधानी है वो क्या है? हनोई है। और इसकी मुद्रा क्या है? वियतनाम की जो मुद्रा है वो क्या है? यहाँ पर डोग है। ये है जो वियतनाम की यहाँ पर क्या है? मुद्रा है। अब देखो मिस्र के बारे में, मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी आप सभी को पता है कि क्या है? काहिरा है। क्या है राजधानी इसकी? काहिरा है। और इसकी जो मुद्रा है, ठीक है, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? इजिस्पियन है। क्या है इसकी राजधानी? जो इसकी मुद्रा है वो इजिस्पियन है, ठीक है। क्या है? इजिस्पियन है मुद्रा। जो मिस्र है, इजिप्ट अपने इसको याद बोल सकते हैं, इजिप्ट की राजधानी काहिरा है और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? इजिस्पियन है। अब देखो स्पेन की राजधानी, स्पेन की राजधानी क्या है? सभी को पता है कि स्पेन की राजधानी है वो क्या है? मैड्रिड है। और स्पेन की राजधानी आपको पता है क्या है? मैड्रिड है। और मैड्रिड यहाँ पर जो राजधानी है, उनकी जो करेंसी है, उस करेंसी का नाम क्या है? यूरो है। क्या नाम है उसका? यूरो है। अब आपके सामने एक ऑप्शन और बच गया, कौन सा? पनामा। तो जो बलवो है ये किसकी करेंसी है? ये पनामा की क्या है? करेंसी है, पनामा की मुद्रा है। और पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी। पनामा सिटी ही यहाँ की है जो राजधानी है। पनामा की राजधानी क्या हो जाएगी? पनामा सिटी। और मुद्रा यहाँ की है जो बलवोवा हो जाएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। निम्न में से कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश नहीं है? यूरोपियन यूनियन आप सभी को पता है क्या है? एक संघ है, ठीक है, एक संघ है, इंटरनेशनल संघ है, जिसके अंदर काफ़ी इसके सदस्य देश हैं। आपको बताना है कि माल्टा, इटली, ब्रुनेई और हंगरी, इन चारों देशों में से कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जो इसका सदस्य देश नहीं है, यानी कि इसका मेंबरशिप इसने इस देश ने नहीं ले रखी है? तो वो कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? ब्रुनेई। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। जो यूनियन यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन संघ है, इसका सदस्य देश है, इसकी मेंबरशिप ब्रुनेई ने है वो नहीं ले रखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो आगे क्या दे रखा है कि ओन ब्यूटी बुक के लेखक निम्न में से कौन है? आपने एक बुक देखी होगी, ओन ब्यूटी एक बुक है। आपसे पूछा है कि जो ओन ब्यूटी बुक है, इस बुक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है शोभा डे, बी ऑप्शन दे रखा है अमिताभ कुमार, सी ऑप्शन दे रखा है अली स्मिथ और डी ऑप्शन दे रखा है जेडी स्मिथ। आपको बताना है कि इन चारों में से जो ओन ब्यूटी बुक है, इस बुक के है, जो इस किताब के लेखक है, वो कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको इसका? हो जाएगा जेडी स्मिथ, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं किसके बारे में? शोभा डे के बारे में। शोभा डे की एक बुक है, क्या नाम है इस बुक का? शोभा डे ने एक बुक लिखी थी स्पीड पोस्ट। क्या नाम था इस बुक का? स्पीड पोस्ट, ठीक है। ये शोभा डे की एक बुक है। अब देखो अमिताभ कुमार की, अमिताभ कुमार की एक बुक है और उस बुक का नाम क्या है? होम प्रोडक्ट्स। उस बुक का नाम क्या है? होम प्रोडक्ट्स। ये किसकी बुक है? ये है किसकी? अमिताभ कुमार की, होम प्रोडक्ट्स। जेडी स्मिथ की बुक हो गई कौन सी? ओन ब्यूटी। और अब आपके सामने बच गया कौन सा? अली स्मिथ। अली स्मिथ की भी एक बुक है, उसका नाम क्या है? द एक्सीडेंटल। द एक्सीडेंटल है जो किसकी बुक है? ये किसकी है? अली स्मिथ की बुक है। तो देखो मैंने आपको एक प्रश्न के साथ साथ तीन प्रश्न आपको अलग तैयार है वो करवा दिए हैं। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस सेट को पूरा देखते हैं तो इसके साथ साथ में नोट्स बना लीजिए, इसको नोट करते रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन है वो याद रह जाए। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की राजधानी निम्न में से क्या है? मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब आप MR का एग्जाम देने जाओ तो एक चीज़ को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से क्या है, अच्छी तरीके से फील कर लेना, सेव कर लेना कि आपको MR का एग्जाम होगा, उसके अंदर आपसे बेसिक फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे, आपसे हाई लेवल क्वेश्चन है वो इसके अंदर नहीं पूछे जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट वाली जो ई बुक खरीदेंगे और उसके अंदर जो आप 2020 के अंदर जो एग्जाम हुआ था MR का फरवरी के अंदर, उसके अंदर देखोगे तो बेसिक जो क्वेश्चन थे ना वो सबसे ज़्यादा पूछे गए थे और हाई लेवल क्वेश्चन लगभग आपको एक दो ही वहाँ से पूछे गए थे, और हाई लेवल भी इतना नहीं था कि आप उसका आंसर सही आंसर नहीं दे सको। अगर आप आरामदारी से अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ा है और आप अच्छे तरीके से जल्दबाजी न करके अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से देंगे तो आप अपना एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर जाओगे, अपना एग्ज़ाम है वो पास कर जाओगे। तो देखो बेसिक क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी क्या है? सभी को पता है राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है।
तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो पणजी किसकी राजधानी है, सभी को पता है कि गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। तो राजस्थान की राजधानी अपने से पूछा था, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। वंदे मातरम को कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में गाया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि जो वंदे मातरम है उसको कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर गाया गया था। अब आपको ये नहीं पूछा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन, बल्कि ये पूछा कि कांग्रेस का जो अधिवेशन इसके अंदर उसको गाया गया था वंदे मातरम को, वो अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। वंदे मातरम वाज संग इन विच ईयर सीजन ऑफ द कांग्रेस, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर है जो वंदे मातरम को गाया गया था, उस वर्ष कौन सा था, उस जो अधिवेशन आयोजित किया गया उस समय क्या सन था, उस समय क्या टाइम था, तो किस समय इसको गाया गया था, 1895 में, 1894, 1896 या फिर 1899। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, 1896। सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पर्यटक है, द फर्स्ट टूरिस्ट टू गो टू स्पेसिस, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पर्यटक है वो कौन है, डेनिस टीटो, कैथी सलिविन, यांग लेवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो डेनिस टीटो है ये अंतरिक्ष के अंदर स्पेस में जाने वाले क्या है, प्रथम टूरिस्ट है, प्रथम टूरिस्ट है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेनिस टीटो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में भरता है। बेसिक सा क्वेश्चन, आपने अगर पहले वाले वीडियो देखे होंगे डेली के प्रैक्टिस सेट जो अपने अपलोड होते हैं प्रत्येक बुधवार को, तो उसके अंदर मैंने आपको बहुत बार ये क्वेश्चन बताया है कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो बिहार के सोनपुर में भरता है। कहाँ पर भरता है, बिहार के सोनपुर में। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार के अंदर बात करें तो बिहार के कहाँ पर भरता है, सोनपुर के अंदर है वो मेला भरता है, सोनपुर के अंदर। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। 17 नंबर प्रश्न देखो, भारतीय गणराज्य की प्रथम महिला राष्ट्रपति निम्न में से कौन है। आप सभी को पता है कि भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी, तो कौन थी, प्रतिभा पाटिल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल है जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और इनका कार्यकाल क्या था, इनका जो कार्यकाल था वो क्या था, 2007 से लेकर 2012 तक है जो प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल था। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो साथी इसकी प्रैक्टिस सेट का है, जो इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी। तो जो साथी अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से जाकर आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट किस वर्ष है जो पारित किया गया था, इन विच ईयर वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट पास, तो किस वर्ष किस साल के अंदर है जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो पारित किया गया था। कब किया गया था इंडियन जो काउंसिल एक्ट है वो कब पारित किया गया था, यह पारित किया गया था कब किया गया था, 1861 के अंदर। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, 1861 के अंदर है जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो पास किया गया, उसको पारित किया गया, ठीक है, उसको पास किया गया था। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। सिंहजीत सिंह किस नृत्य के गुरु माने जाते हैं। सिंहजीत सिंह इज कंसिडर्ड द मास्टर ऑफ विच डांस, तो कौन से नृत्य के गुरु हैं वो सिंहजीत सिंह को माना जाता है, मणिपुरी के, कथक के, कथकली के या फिर भरतनाट्यम के। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन वाला हो जाएगा, इनकी जो मणिपुरी नृत्य है, मणिपुरी नृत्य का जो गुरु है वो किसे माना जाता है, सिंहजीत सिंह को माना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष है जो निलंबित किया गया। इन व्हाट ईयर वाज द राइट ऑफ प्रॉपर्टी सस्पेंडेड। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है और सब मैं बात करूं तो लगभग 90% से ज़्यादा साथियों को इस बात का पता नहीं होगा कि जो अपने मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में से जो अपने संपत्ति का अधिकार था उसको किस वर्ष हटा दिया गया था। तो किस वर्ष हटा दिया गया, और जिस भी साथी को इसका सही आंसर पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ कि किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, नहीं मैं आपको इसका सही आंसर बता दूंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष हटाया गया था, 1978 के अंदर, 1978 के अंदर है जो संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को हटा दिया गया था, इनके अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से इसको रिमूव कर दिया गया था 1978 के अंदर। अगला प्रश्न देखो
क्या देर का है? अगला प्रश्न देर का है, 21 नंबर प्रश्न, देखो कुक वेनन जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ कुक वेनन फॉल्स? कुक वेनन फॉल्स, सबसे पहले मुझे सभी साथी गूगल से सर्च करके बता दो कि जो आपका कुक वेनन फॉल्स है ये किस देश के अंदर है, किस देश के अंदर है, किस कंट्री के अंदर ये स्थित है। फटाफट बताओ कि जो कुक वेनल फॉल्स है, कुक वेनल जलप्रपात है, ये किस देश में स्थित है, किस कंट्री में स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो कुक वेनल जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है, 610 मीटर है, 610 मीटर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फटाफट देखो कौन से ऑप्शन में देर का है। बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। आगे बढ़ने से पहले जो साथी नेवी, एमआर, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, एसएसआर, डबल ए की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टैटिक जीके की बुक खरीदना चाहते हैं तो मेरी स्टैटिक जीके की बुक है जो मैंने पब्लिश की है, जिसके अंदर आपको 100 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे। लगभग मैं आपको बता दूँ तो इसके अंदर कितने टॉपिक है, इसके अंदर आपको 106 टॉपिक मिल जाएंगे। 106 ऐसे टॉपिक हैं जो मेरे खुद के क्या हैंड रिटन, मैंने अपने हाथों से जो नोट्स लिखे थे उन नोट्स को मैंने पीडीएफ के रूप में यहाँ पर है जो आपको टाइपिंग करके आपके लिए उपलब्ध करवाया है। ये बुक आपको लगभग 80 रुपये के अंदर आपको यहाँ पर जो मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मैं पूरी गारंटी के साथ आपको यह बोल देता हूँ कि जब आप नेवी के अंदर आप एमआर और एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप, एनडीए, एयरफोर्स, एसएसआर, डबल ए के अंदर बात करें, डिफेंस के अंदर कोई भी एग्ज़ाम आपसे पूछा जाए और उसके अंदर स्टैटिक जीके जीएस की बात आए, तो जो 106 टॉपिक है इन टॉपिकों में से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 106 टॉपिक जो है ये इनके अंदर आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चन आपको इसके अंदर है जो मिल जाएंगे। तो जो साथी स्टैटिक जीके की बुक खरीदना चाहता है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मात्र आपको 80 रुपये पे करके आप इस ई बुक को है वो खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। एक आईपी एड्रेस में बिट संख्या होती है, एन आईपी एड्रेस हैज ए बिट नंबर। एक आईपी, सबसे पहले बता दूं कि आईपी है जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गूगल से पता करके बताओ कि जो आईपी होता है इसका फुल फॉर्म है वो क्या होता है। फटाफट बताओ कि जो आईपी होता है इसका फुल फॉर्म है जो क्या होगा। तो आईपी के अंदर है जो बिट की संख्या कितनी होती है, 43 होती है, 34 होती है, 32 या फिर 23। तो मैं आपको बता दूं कि एक आईपी के अंदर कितने बिट होते हैं, एक आईपी के अंदर है जो टोटल बिटों की संख्या कितनी होती है, 32, यानी कि 32 इसकी संख्या होती है। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, 32 संख्या होती है। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। निम्न में से रेडिफ मेल का स्थापना वर्ष है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडिंग ईयर ऑफ रेडिफ मेल। अब देखो सबसे पहले देखो रेडिफ मेल क्या है, रेडिफ मेल क्या है, एक वेबसाइट है, क्या है, एक वेबसाइट है। और फटाफट इसको गूगल से सर्च करो कि रेडिफ जो मेल वेबसाइट है इसका संस्थापक कौन है, रेडिफ मेल का संस्थापक है वो कौन है। फटाफट मुझे सभी साथी गूगल से सर्च करके इसका कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे, जवाब देंगे कि रेडिफ मेल का संस्थापक कौन है। मैं आपको बता देता हूँ कि रेडिफ मेल का स्थापना वर्ष यानी कि इसकी स्थापना है वो कब की गई थी, जो रेडिफ मेल है इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना है जो रेडिफ मेल की स्थापना है वो कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी कब, 1995 के अंदर। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 1995 के अंदर है जो रेडिफ मेल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी साथियों को पता ही होगा कि जो विश्व प्राकृतिक दिवस है वो कब मनाया जाता है, विश्व प्राकृतिक दिवस है आपका जो कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 3 अक्टूबर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, हु बिल्ड द फोर टॉवर्स। आप सभी को पता है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, सबसे पहले बता दो इसकी लोकेशन कहां पर है, चार मीनार है जो कहां पर स्थित है। सबसे पहले सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देंगे, आंसर सर्च करने के लिए आपके साथ हमेशा की तरह एक ऑप्शन रहेगा गूगल, गूगल से पता करो कि चार मीनार का निर्माण है जो किस जगह है वो करवाया गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने इसका निर्माण करवाया था, कुली कुतुब शाह ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, कुली कुतुब शाह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब अपने बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी यानी कि अपने साइंस के क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कहता है सेक्शन बी, इसमें दे रखा है निम्न में से सदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर अमाउंट। आपको बताना वेक्टर अमाउंट, घनत्व, तापमान, आयतन और ताप प्रवणता, ठीक है, डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम और ताप प्रवणता, इन चारों में से आपको पता नहीं कौन सी एक वेक्टर अमाउंट है, सदिश राशि है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ताप प्रवणता है ये क्या है, एक सदिश राशि है, राशि है, ठीक है, ये क्या है वेक्टर अमाउंट है। और जो बाकी ये तीन बच गए, घनत्व, तापमान और आयतन, ये क्या है, अदिश राशि है। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है, एक पाउंड में कुल कितने ग्राम होते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन ए पाउंड, एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। फटाफट सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एक पाउंड के अंदर कितने ग्राम होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पाउंड के अंदर 453.52 यानी कि 52 ग्राम होते हैं एक पाउंड के अंदर। एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 453.52 ग्राम होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से एथेनॉल किस से प्राप्त किया जाता है, निम्न में से एथेनॉल किस से प्राप्त किया जा सकता है, फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग कैन एथेनॉल बी ऑब्टेंड, मतलब किस से प्राप्त किया जा सकता है। तो चावल से, गन्ना से, पेट्रोल से या फिर सूरजमुखी से, तो इनमें से किस है जो एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर इसका है जो कौन सा हो जाएगा। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, गन्ने से है जो क्या है एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है, अगला प्रश्न देर का है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ग्लास, कांच का सबसे महत्वपूर्ण जो है जो घटक है वो कौन सा है, माइका है, सिलिका है, क्वार्ट्ज है या फिर सोडियम बोरेट है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सिलिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में दो जो देर का है। अगला प्रश्न देखो 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पार्सेक क्या है, व्हाट इज पार्सेक, पार्सेक देखो क्या है, पार्सेक एक दाब का मात्रक है या फिर एक दूरी का मात्रक है या फिर दूरी मापने की सबसे एक बड़ी इकाई है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि जो पार्सेक होता है वो क्या होता है, ये दूरी मापने की एक सबसे बड़ी इकाई है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है, मोटरसाइकिल का डेसिबल होता है, व्हाट इज द डेसिबल ऑफ मोटरसाइकिल, सबसे पहले बताओ ध्वनि का मात्रक क्या होता है, ध्वनि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसिबल ही होता है। और जो मोटरसाइकिल का डेसिबल होता है वो कितना होता है, मोटरसाइकिल का डेसिबल कितना होता है, 100 होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो कि जो आपका जेट विमान होता है, जो जेट विमान होता है उसका जो डेसिबल कितना होता है, ये होता है 140 से लेकर कितना होता है उसका 150 के बीच में होता है जेट विमान का डेसिबल। और जो मिसाइल होती है, जो मिसाइल होती है उसका जो डेसिबल कितना होता है, मिसाइल का डेसिबल 170 के बीच के अंदर है जो होता है। और जो आपकी विद्युत मोटर होती है, विद्युत मोटर का जो डेसिबल होता है वो कितना होता है, 110 होता है। और मोटरसाइकिल का जो डेसिबल होता है वो कितना होता है, 100 होता है। तो आप सभी को अलग अलग के बारे में मैंने बता दिया कि जेट विमान, मिसाइल और विद्युत मोटर और मोटरसाइकिल का डेसिबल कितना होता है, और डेसिबल है जो किसका मात्रक होता है, ध्वनि का मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है, निम्न में से कैथोड किरणों के बारे में सत्य कथन, आपके नीचे चार कथन देर के हैं, आपको बताना कि कौन सा कथन कैथोड किरणों के बारे में क्या है, सत्य है। ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कैथोड रेज, अब आपको बताना कि कैथोड रेज है ये सरल रेखा में चलती है, कैथोड किरणों के अंदर यांत्रिक ऊर्जा होती है, कि थोड़ इरने ऋणावेशित होती है या फिर सभी कथन सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कैथोड किरणें होती है ये हमेशा सरल रेखा में चलती है, कथन सत्य है, एकदम सही बात कही है इसने, यांत्रिक ऊर्जा इसमें होती है, सही बात कही है इसने, ऋणावेशित होती है कैथोड किरणें, सही बात कही इसने। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या देर का है, बेलनाकार वस्तुओं के बाहर तथा अंदर का व्यास मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है। सबसे पहले देखो बेलनाकार वस्तुओं के बाहर तथा, मैं आपको बता दूं एक लोहे की एक लंबी पाइप है, ठीक है, क्या है, एक लोहे की एक लंबी पाइप है।
आपको करना क्या है, ये बेलनाकार पाइप है, ठीक है। आप सभी को पता है लोहे की पाइप होती है वो बेलनाकार होती है, या फिर आप कोई भी पाइप मान लो प्लास्टिक की, कोई भी अदर पाइप हो जो बेलनाकार हो, आपको इसके अंदर और बाहर का व्यास मापना है। तो आप किस यंत्र का यूज़ करोगे, सबसे पहले आप किसका यंत्र का यूज़ करोगे जिससे आप इसका व्यास है जो माप सकते हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप किसका यूज़ करोगे, कैलिपर्स का यूज़ करोगे। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखो कैलोरीमीटर, जो कैलोरीमीटर बी ऑप्शन में दे रखा है, इसका यूज़ कहाँ होता है, उष्मा की मात्रा मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कैलोरीमीटर का यूज़ किया जाता है कहाँ पर, उष्मा की मात्रा मापने के लिए। और जो कार्डियोग्राफ है, सी ऑप्शन में देखो कार्डियोग्राफ दे रखा है, जो कार्डियोग्राफ दे रखा है, कार्डियोग्राफ का यूज़ कहाँ पर होता है, आप सभी को पता है कार्डियोग्राफ का यूज़ हृदय की गति मापने के लिए किया जाता है, हृदय की गति मापने के लिए है जो कार्डियोग्राफ का यूज़ है वो किया जाता है। और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर में किसका यूज़ किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की स्पीड को मापने के लिए, ध्वनि की स्पीड को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ऑडियोमीटर का यूज़ किया जाता है। और ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है, डेसिबल इसका मात्रक होता है। तो कैलिपर्स का यूज करेंगे अपने बेलनाकार वस्तुओं की बाहर और अंदर का व्यास मापने के लिए, किसका यूज करते हैं, कैलिपर्स का यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, डेसिबल है, जूल है, ओम है, या फिर किलोवाट घंटा है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो डेसिबल है किसका मात्रक होता है, डेसिबल किसका मात्रक होता है, ध्वनि का डेसिबल है जो मात्रक होता है। जो जूल है, जूल किसका एसआई मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, फटाफट सभी साथी बताओ, जूल किसका मात्रक है, बी ऑप्शन में आपके सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, जूल। तो जूल किसका मात्रक है, सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट इसका आंसर करके बताएंगे। और ओम किसका मात्रक होता है, ओम होता है किसका, विद्युत विभव का, ओम किसका होता है, विद्युत विभव का, किसका होता है, विद्युत विभव का। और इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है, विद्युत बैटरी के आविष्कारक निम्न में से कौन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैटरी, जो बैटरी थी, विद्युत बैटरी थी, इसका आविष्कार है वो किसने किया था, ओम ने किया था, जूल ने किया था, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया था, या फिर कुलाम ने किया था। तो सही आंसर आपको बताना है कि जो विद्युत बैटरी है इसका आविष्कार किसने किया था, तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, जो अलेक्जेंड्रा वोल्टा थे इन्होंने है जो विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, विच लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो सबसे कम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला कलर है वो कौन सा होता है, कौन सी लाइट होती है, नीला कलर या नीली लाइट, पीली लाइट, लाल लाइट, या फिर बैंगनी लाइट। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा रंग होता है, कौन सा प्रकाश होता है जो सबसे कम वेवलेंथ यानी कि कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बैंगनी आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, इंद्रधनुष स्पेस के कारण होता है, रेनबो इज कैज्ड बाय स्पेस, इंद्रधनुष परावर्तन के कारण होता है, इंद्रधनुष अपवर्तन के कारण होता है, इंद्रधनुष परिक्रण के कारण होता है, या फिर इंद्रधनुष परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। तो इंद्रधनुष किसके कारण होता है, स्पेस में क्या आएगा आपको ये बताना है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से अपवर्तित रहेगा, वस्तु की अगर मात्रा बदल दी जाए तो निम्न में से क्या ऐसा तत्व है जो बदलेगा नहीं, वो सेम का सेम ही रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, तो कौन सा ऐसा तत्व है वो वस्तु की मात्रा बदलने पर है जो चेंज नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन होगा, या फिर उस वस्तु का भार होगा, या उस वस्तु का द्रव्यमान होगा, या फिर उस वस्तु का घनत्व होगा। मैंने आपको बताया था कि आयतन भी चेंज होता है, भार भी चेंज होता है, द्रव्यमान भी चेंज होता है, लेकिन उस वस्तु का घनत्व कभी चेंज नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं किसके बारे में, अपने सी सेक्शन के बारे में, और सी सेक्शन के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं किसके बारे में, मैथ के क्वेश्चन के बारे में। सी सेक्शन में देखो 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर एक लंबे पुल को है जो 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की आपको बताना है स्पीड क्या है। मैंने आपको बताया था
यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पीड क्या करनी है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बटा दूरी होती है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, स्पीड आपको ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, दूरी बटा समय करना है। चाल आपको ज्ञात करनी है तो दूरी बटा समय करना है। यहाँ पर दूरी से देर के एक तो देर के 400 मीटर और दूसरी कौन सी देर के है 300 मीटर, 400 और प्लस क्या कर देंगे अपने 300 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इसके अंदर पेन के अंदर दिक्कत थोड़ी आ रही है, देखो एक तो दूरी हो जाएगी कौन सी 400 मीटर वाली, प्लस इसको कर देंगे किस में 300 मीटर में, और प्लस इसने क्या बोला है कि वो है जो कितने टाइम के अंदर पार करती है, उस पुल को है जो कितने टाइम में पार कर रही है, 70 सेकंड के अंदर पार कर रही है, तो इसको गुणा कर देंगे किससे, 18 बटा 5 से, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे इसको, और क्या बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा इसको सोल्यूशन करेंगे तो देखो आप इसको सोल्यूशन कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 सी का 30 इसको काट दीजिए, आपके पास ये बच गया 40। वैसे अगर आप इसको शॉर्टकट के रूप में देखो तो 400 और कितना हो गया 700 हो गया, 700 बटा कितने कर देंगे 70 और गुणा कर देंगे 18 बटे 5, एक जीरो से ये एक जीरो ये निकाल दिया, ठीक है। आपके पास क्या बच गया, ये बच गया, आप इसको निकाल देंगे किस से, 18 से आप इसको काट दो 5 14 5 70, 7 से काटेंगे यहाँ पर कितना गया 2 आ गया, आपके पास कितना बच गया 18 गुणा 2 यानी कि 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पर दे रखा है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है यदि x बराबर 4 है और y बराबर 3 है, तो 3x प्लस 4y बराबर 12 है, तो ग्राफों के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आपको बोल दिया कि क्या बोल दिया आपको कि x बराबर 4 है, y बराबर आपके 3 दे रखा है, आपको बताना है 3x प्लस 4y बराबर 12 है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। देखो आपने अगर ग्राफ वाले कभी सूत्र या प्रश्न हल किया होगी तो आप क्या करते हैं, एक बार आप x के बराबर क्या मानते हैं 0 मानते हैं, और एक बार आप है जो y के बराबर 0 मानते हैं। देखो यहाँ पर अपने एक बार x के बराबर 0 मानेंगे या फिर y के बराबर 0 मानेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, x के बराबर 0 मानेंगे अपने यहाँ पर, तो y बराबर देखो कितना है 4, x बराबर यहाँ पर 0 मान ले तो 4y बराबर कितना है 12, 4y से y काटेंगे तो 4 कहाँ पर चला जाएगा 12 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, और आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो अब इसको अपने 0 मानेंगे तो क्या आएगा 12 बटे क्या हो जाएगा आपका 12 बटे आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। आपके पास x बराबर 3 आ गया, y बराबर 4 आ गया, अब समीकरण में इसका मान रख दीजिए। देखो त्रिभुज का जो क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा क्या होता है ऊंचाई होता है। यहाँ पर इसने दे रखा है 1/2 हो जाएगा, गुणा 4 हो गया, गुणा कितना हो गया 3 हो गया, 2 से 2 निकालेंगे कितना बच गया 2, और आपके सामने क्या बच गया 2 गुणा 3 यानी कि 6, तो 6 इसका सही आंसर। देखो कहां पर दे रखा है, बी ऑप्शन में इसका सही आंसर दे रखा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दे रखा है 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नई संख्या जो नया औसत होगा वो क्या होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर प्रत्येक संख्या को गुणा किया जाए तो अपने औसत को भी 6 से गुणा कर देंगे। अपने देखो 10 संख्याओं का औसत इसने बोला 14 है, अगर मैं बोलूं कि 10 संख्याओं को प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा करेंगे देखो तो कितना आ गया 60 आ गया। इसने बोला संख्याओं का औसत कितना है 14 है, तो अपने 14 को भी 6 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 6 84 यानी कि 84 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो आपके ए ऑप्शन में देर का है। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की 4 गुनी है, तीसरे की 3 गुनी है, और यदि तीनों संख्याओं का औसत 5 है तो तीसरी संख्या आपको बतानी है कि तीसरी संख्या है वो कितनी है। इसने बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इसने बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 4 गुनी है। अपने मानते हैं कि अगर पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, अब देखो अगर आप यहाँ पर अपने मानते हैं कितना 2, अगर मैं आपको यहाँ पर आपको मानूं कि दूसरी संख्या 2 तो यहाँ पर इसने क्या बोले 4 गुनी है, तो 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसने यहाँ पर क्या पूछा था इसका कितना है 3 गुना है, थर्ड संख्या तीसरी संख्या कितना है 3 गुना है, तो यहाँ पर ये तो 3 गुना नहीं होगा, तो अपने क्या मानते हैं, अपने मानते हैं कि दूसरी संख्या अगर आपने 3 मानते हैं तो ये देखो 3 का 4 गुना पहली संख्या, तो 3 का 4 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अगर यहाँ पर इसका 4 गुना माने तो उसको 4 से भाग देंगे 3 चौका यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो इसने बोला पहली संख्या है जो दूसरी संख्या की 4 गुनी है, ये पहली संख्या है जो दूसरी की 4 गुनी है जरूर है, इसने बोला तीसरी की 3 गुनी है,
ठीक है। तीसरी संख्या कितनी है? चार है। चार की तीन गुना कितना हो गया? बारह हो गया। अब इसने क्या बोला कि इन संख्याओं का औसत कितना है? पांच है। इन संख्याओं का औसत है वो कितना है? पांच है। इन देखो, बारह और तीन कितना हो गया? पंद्रह। पंद्रह और चार कितना हो गया? उन्नीस। उन्नीस में अपने क्या करेंगे? उन्नीस गुना कितना करेंगे? उन्नीस गुना पांच कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 95, यानी कि 95। इसको भाग देंगे कितने से? इसको भाग देंगे अपने कितने से? 95 से। इतना सॉरी, देखो 19 इंटू पांच आ गया, ठीक है। 19 इंटू पांच कितना आ गया? 95 आ गया। 5 इंटू चार इंटू नौ आपके पास कितना बच गया? 19 इंटू पांच बराबर कितना आ गया? 95। अगर इसको भाग दे, 19 को वापस भाग दे, कितना आपके पास कितना आ जाएगा? 5 आपके पास वापस आ जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर 5 आपके पास जो औसत दे रखा है वो आपके पास है जो बच जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया? एक तो बच गया 5, एक बच गया 4, एक बच गया कौन सा? 3। तो 4 या 12, 12 पाँचे 60। तो सही ऑप्शन देखो कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी साथी को कोई मैथ के क्वेश्चन को या फिर सॉल्यूशन को लेकर अगर कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपको इसका सॉल्यूशन है वो भेज दिया जाएगा। वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचता है और यदि उसने वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है कि कितना है। अब देखो उसने क्या बोला कि 8% हानि पर बेचता है, तो देखो 100 में से 8 माइनस कर देंगे आपके पास कितना बच गया? 92/100। इसने क्या बोला? अगर वो उसको क्या करता? लाभ पर बेचता, माइनस करेंगे कितना? इसने बोला 110%, 10.5 यानी कि 110.5 बटा में आपका क्या आ जाएगा? 37। उसने बराबर कितने रुपए इसको अधिक मिलते? 37 रुपये इसको अधिक मिलते। आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखो इन दोनों के अंतर बीच में कितने का अंतर है? इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 18.5 का है। इन दोनों के बीच में 18.5 का अंतर है, गुणा कर देंगे कितना? 100 गुणा हो जाएगा 10 लाएंगे तो आपके पास यहाँ पर 0 नीचे बटा भी 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको 37 आ गया। अब इसको सॉल्यूशन कर लो, आंसर आपका आ जाएगा कितना? 200। 200 कहाँ पर देर का है? सी ऑप्शन में देर का है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्या देर का है? संपूर्ण पृथ्वी में भूमि से पानी का अनुपात 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि से पानी का अनुपात है वो क्या होगा? इसने बोला कि 1:1 कितना है? 2 है, तो अपने क्या मानेंगे इसको? 1:2 है। तो देखो 1:2 है, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 गुणा कितना हो गया इसका? 10 हो गया। और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसने माना कितना हो जाएगा? 2:10 हो जाएगा। और इसने अनुपात कितना देखा है कि 2:3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2:3 कर देंगे। यहाँ पर कितना आएगा आपका? 3:3 आपका कौन सा आएगा? 3:3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 10 × 1 = 10, 3 × 6 = 10, 2 = 20 और 3 = 9। अब देखो 10 में से 6 निकाले आपके पास बच गए 4 और 20 में से 9 निकाले आपके पास बच गए 11। तो नया अनुपात बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 4:11। 4:11 कहाँ पर देर का है? ए ऑप्शन में अनुपात देर का है। ए ऑप्शन 4:11 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्या देर का है? किसी चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश हैं, यदि उनके सिर को गिना जाए, उनके सर को गिना जाए, यहाँ पर थोड़ा इसके अंदर मिसटाइपिंग हो गया, सर को गिना जाए, ठीक है, उनको काउंटिंग की जाए उनके सर की, तो उनकी संख्या कितनी है? 300 है। यदि उनके पैरों को गिना जाए तो उनकी संख्या कितनी है? 750। अब देखो दोनों में अंतर कितने का आ गया? इन दोनों में अंतर आ गया 450 का, ठीक है। और इसने बोला कि गिना जाए तो उनकी संख्या कितनी होगी? अब देखो टोटल कितने थे, इसने बोल रखा है कि चिड़ियाघर के अंदर कबूतरों और खरगोश हैं, उनके सिर को गिना जाए तो 300, उनके पैरों को गिना जाए तो 750, तो कबूतरों की संख्या आपको बतानी है कितनी है, ठीक है। अब देखो कबूतरों के पैर कितने होते हैं भाई मेरे? 2 होते हैं, तो 2 से भाग दे दे 450 को, आंसर आ गया आपका 225। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 750 टोटल थे, 750 में से 2 पैर भी थे उनके, और जो क्या है खरगोशों के 4 पैर थे और कबूतरों के 2 थे, तो 6 हो गए। इनको इसमें से घटा दे, 300 में से 450 बच गए, 450 में से कबूतरों के 2 पैर हैं तो 2 पैरों से भाग देंगे तो कबूतरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 225 आ जाएगी। अगला प्रश्न देखो, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1360 रुपये है उस पर 15% की छूट देता है और छूट देने के बाद भी वो 15.6% उस पर लाभ कमाता है, तो ट्रॉली का क्रय मूल्य है वो कितना है आपको बताना है। देखो क्या हुआ कि उसने क्या बोला कि उस टोटल वस्तु है जो कितने रुपए की है? 1360 रुपये की है। उसने उस पर कितने परसेंट की छूट दी? 15% की, यानी कि क्या आ गया आपका? 85/100 आ गया।
और उसने क्या किया, उस पर कितने परसेंट का लाभ कमाया, उसने कितने परसेंट का लाभ कमाया उस पर, 115.6% का लाभ कमाया। मतलब कितने कमाया, उसने कमाया 115.6 का बटा में आपके 100 पॉइंट आएंगे, यहाँ पर कितना आ गया 10। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर लेना, इसका सॉल्यूशन कर लेना, ये पूरा का पूरा है, इसको सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। आंसर आपका कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन, 1000 रुपये का उसका जो क्रय मूल्य है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में नया आया हो तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर है जो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता जिस त्रिभुज का परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना होता है। देखो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो समबाहु त्रिभुज का होता है, कितना होता है उसका परिमाप जब 60 हो तो उसका, जब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होता है वो किस त्रिभुज का होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है। अगर उसका परिमाप कितना हो, उसका परिमाप कितना हो, √3/4 गुणा कितना हो, 1^2 हो, तब उसका परिमाप कितना हो सकता है, उसका परिमाप कितना हो सकता है, 173 हो सकता है। तो आप 173 से कम हो सकता है लेकिन 173 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 168, 170, 169 ये तीनों तो क्या है, 173 से कम है लेकिन 185 ज्यादा है, 185 ज्यादा है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि त्रिभुज का तीन क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 180 होता है। 180 तो इनमें से हो जाएगा लेकिन देखो सबसे पहले सिंपल सी बात है, 180 तो इनमें से कम है मतलब हो जाएगा, 180 से ज्यादा है 185 तो नहीं हो पाएगा। तो 185 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न देखो क्या देर का है, 2/3, 4/5 और 6/7 का HCF कितना है। आपको क्या करना है, आपको बताना है 2/3, 4/5 और 6/7 का HCF बताना है कि कितना है। अब देखो 2/3, 4/5 और 6/7 का HCF याद करने, तो आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, इन तीनों को गुणा कर लीजिए, नीचे का गुणा, जैसे ऊपर वाला एलसीएम हो जाएगा नीचे वाला एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ याद करना है तो 3/5, 15/15, 7/5 और ऊपर आपको क्या करना है, कॉमन देखो इसमें कितना आ जाएगा, 2 आ गया, 2 से 2 किया 4 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। ठीक है, कौन सा आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें से ये किससे कटता है, 2 से कट गया, 1 आ गया, इससे कट गया कितना आ गया 2 आ गया, ये से कट गया 3 आ गया, कॉमन कौन सा आ जाएगा आपका, इसका 2 आ जाएगा। तो 2/105, 2/105 कहाँ पर दे रखा है, ये देखो सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है आपका 2/105। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो सेकंड लास्ट प्रश्न क्या दे रखा है, 3 संख्याएं 3:4, 5 के अनुपात में और उनका एलसीएम कितना है 4200 है। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ है वो ज्ञात करना है। इसने क्या बोला, देखो कि उसका जो एलसीएम है वो कितना है 4200 है, आपको क्या करना है उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो गुणा में एचसीएफ, एलसीएम कितना होता है, 1 होता है, इनको गुणा कर लिए, 5 का 20, 20 दिया 60। ठीक है, 10 से 10, 6 से कटा 7 कितना आ गया 70। ठीक है, 70 आ गया, तो 70 देखो कहाँ पर दे रखा है, तो उसका 70 कहाँ पर दे रखा है, 70 आपके सी ऑप्शन में दे रखा है और आपका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा 70 ही हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा 70 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है, लास्ट प्रश्न है, 1728 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए निम्न में से कितना जोड़ना पड़ेगा। 1728 को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो अपने 1728 का क्या करते हैं, इस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखो कितना से करेंगे, 4 चौका, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 चौका कितना होगा 16, यहाँ पर कितना आ गया 8, इसको प्लस करेंगे 4 * 8, 1617 में से 16 निकाला, 1 बच गया, ऊपर से 2 का जोड़ा उठाएंगे कितना आ गया 128। अब देखो 88 को क्या करेंगे अपने, यहाँ पर कितना करेंगे 2 से गुणा करेंगे, अगर 2 से करते हैं तो कितना आ गया यहाँ पर 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 16, यहाँ पर कितना आ गया 1728 यहाँ पर इसको करेंगे 4 से 4 * 16 आपके पास आ गया 128, 4 * 4 कितना आ गया 8 आ गया। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको 2 से करेंगे या फिर कितने से करेंगे, इसको अपने से कितने से करेंगे, इसको यहाँ पर देखो कम करेंगे तो इसको 2 से करेंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 × 2 =
कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 2 8 16, ये तो कितना हो गया, 164 से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर आठ आठ में से 4 निकालें, कितना बच गया आपके पास, 4, और यहाँ पर कितना बच गया आपके, 12, 6 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास कितना बच गया, देखो 14, 14 में से 8 निकालेंगे आपके पास कितना बच गया, 128, 128 आपके पास, 164, इसको 164 ऊपर लिखो, 128 नीचे लिखो, 36 बची आपके पास, ठीक है, 36 दोनों का अंतर आ जाएगा। तो आपको 1728 को अगर क्या करना है, एक वर्गमूल बनाना है, 1728 को एक वर्गमूल बनाना है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 36 जोड़ देंगे, तो 36 जोड़ेंगे तो तभी एक वर्गमूल बन पाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कन्फ्यूज मत होना, मैंने थोड़ा सा उल्टा करवा दिया था, दोबारा देख लो कि जैसे 1728 है, 1728 दो जोड़ा इसको बना लेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा पेन इस पर यूज़ है वो नहीं हो रहा, कम चल रहा है। देखो 1728 है, 1728 को इस प्रकार से बनाएंगे, 4 से गुणा किया, 4 चौका 16, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर आ गया 16, एक बच गया 128, 8 को 2 से किया, 2 2 4 और 2 8 16, अब इसको निकालेंगे, 164 में से 128 से निकालेंगे, आपके पास बच गया 36, तो 1728 के अंदर अपने 36 जोड़ेंगे तभी वो एक वर्गमूल बन सकता है, 36 आपका डी ऑप्शन में देर का है। तो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट अपने जो मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर है वो मिल जाएगा। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हो तो नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, उसको दबा दो और साथ ही बेल आइकन को दबा दो ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।